दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चीज़ों का खोना क्या देता है संकेत। अक्सर लोग अपनी प्रिय चीज़ें खो देते हैं और फिर उसे पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में कई बार तो हमें खोई हुई चीज़ें वापस मिल भी जाती हैं और कई बार नहीं भी मिल पाती। कहते हैं कि किसी वस्तु के खोने का ज्योतिष से भी संबंध होता है। आपको आश्चर्य होगा ना जानकर कि आखिर चीज़ें खोने से ज्योतिष का क्या संबंध हो सकता है। कब चीज़ें लगातार खोती हैं और कब चीज़ें खोकर जरूर मिल जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि चीजें खोने और मिलने से क्या होता है नुकसान। राहु और चंद्रमा का संयोग बनने पर चीजें अचानक खो जाती हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि या मंगल का संबंध होता है तो चीजें गुम होकर नहीं मिलती। यही नहीं, अगर शुक्र, गुरु या कोई शुभ ग्रह इसमें मौजूद होते हैं तो चीजें मिल जाती हैं। आमतौर पर शनिवार को खोई हुई चीजें या तो नहीं मिलती या फिर काफी देर से मिलते हैं। आइए जानते हैं कि कब चीजें लगातार खोती हैं, चीजें खोने से कब हमें सावधान रहना चाहिए। देखा जाए तो अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की दशा हो, अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर हो या फिर कर्क, वृश्चिक या मीन हो, यही नहीं अगर आपका मूलांक 2, 4 या 8 हो, अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाला हो या काले रंग की गाड़ी ली हो, इस स्थिति में चीजें लगातार खोती जाती हैं। चीजें खोकर जरूर कब मिल जाती हैं? कहते हैं कि अगर आपकी कोई चीज सोमवार या बुधवार को खोती है तो वह जरूर मिल जाती है। जब गुरु बलवान हो या फिर गुरु की दृष्टि हो, जब 7.5 या ढैया उतर रही हो, जब आपका मूलांक 5, 7 या 9 हो। क्या सामान का खोना पाना कोई संकेत देता है या ये शुभ संकेत भी होता है? सोने का खोना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन सोने का मिलना शुभ होता है। वहीं शीशा या रूमाल का खोना शुभ नहीं माना जाता है, परंतु इनका मिल जाना शुभ होता है। बता दें कि कपड़ों का खोना भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी के होने का संकेत देता है। यही नहीं, रत्नों का खोना शुभ होता है। जान लें कि इसके खोने का मतलब होता है कि आपकी कोई बड़ी बाधा जो आने वाली थी वह टल गई। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन का खो जाना आपके स्वस्थ होने का सूचक है। नोज रिंग, अगर नथ या फिर नोज रिंग खो जाती है तो यह मान सम्मान पर मंडरा रहे संकट का संकेत है। भविष्य में समाज के सामने नकारात्मक छवि बनेगी या फिर किन्हीं कारणों से सम्मान को ठेस पहुंचेगी, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। कान की बाली, यदि कान की सोने की बाली खो जाए तो यह एक विवाहित स्त्री के लिए शुभ संकेत माना जाता है। उसे जल्दी ही कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। मांग टीका, शादी के बाद स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण गहनों में से एक होता है मांग का टीका। पश्चिमी भारत के राज्य राजस्थान में तो यह सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है जो हर विवाहित स्त्री को पहनना ही होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि मांग का टीका खो जाए तो यह मानसिक तनाव को बढ़ाता है। गले का हार, गले का हार या सोने का या कोई चेन अगर खो जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। इसका खोना मान सम्मान को जल्द ही पहुंचने वाली ठेस को संकेत है। कंगन या चूड़ियां, सोने का कंगन या चूड़ियां खो जाए तो इसका अर्थ होता है कि जल्द ही सम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। कमरबंध, कमरबंध का खोना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपशगुन है या भविष्य में जल्द ही आने वाले किसी संकट का संकेत है। सोने के इस आभूषण का खोना मान हानि दिलाता है। पैर की पायल, पांव में पहनने वाली पायल अगर खो जाए तो यह भी अपशगुन मानी जाती है। यदि दाहिने पांव की पायल खो गई हो तो यह समाज में होने वाले अपमान का संकेत होता है, लेकिन बाएं पैर की पायल का खोना आने वाली किसी दुर्घटना का संकेत है।
जब आपका कोई सामान गायब हो जाए तो यह अनमोल उपाय जरूर करना। हो सकता है आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिल जाए। आपको सिर्फ करना इतना है कि जैसे ही आपको अपने किसी प्रिय सामान के गायब हो जाने का पता चले, तब उसी समय एक सफेद रंग का रूमाल ले लें और फिर उसके बीचों बीच एक रुपए का सिक्का रख लें। इसी के साथ रूमाल को चारों कोनों से अच्छी तरह बांध लें। इस खास तरकीब को अपनाने से 24 घंटों में आपकी खोई हुई वस्तु जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।